दोनों चोरों ने इधर से ईंटें निकाली हैं और अंदर घुस गए थे। ये देखिए, उन्होंने गले वगैरह भी बाहर निकाल के सारे पैसे निकाल लिए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने पानी लगाना है फसल को। ये देखिए, ये जो चारा है वो सूख रहा है, तो उसको हमने पानी लगाना है। तो मैं जा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास डीजल है और डीजल लेके जा रहा हूँ। ये कपास की फसल है, कपास बहुत महंगी है, अभी 10,000 रुपये मान तो चल रही है, बहुत महंगी चल रही है। आजकल तो डीजल बहुत महंगा है, 180 रुपये लीटर तो हो गया, तो क्या करें, 1,000 का लेके आया हूँ मैं, अब 5.5 लीटर मिला है। ये देखें कितना हो गया, कितना सा हुआ है। चलो अल्लाह खैर करेगा। सुबह इंजन भी ठंडा हुआ पड़ा है, देखते हैं ये कैसे स्टार्ट होता है। दुआ करें कि ये आसानी से हो जाए ना। मिला देखे, नाली में ना डीजल नहीं गया, इसीलिए ये ना बंद हो रहा था। ये खोलना पड़ेगा, ये हवा निकाल के चलाना पड़ेगा। अभी हम इसके हवा निकालेंगे, वरना ये बहुत तंग करेगा, बहुत ज़्यादा। वो चाबी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, उसके साथ हम खोलेंगे, देखते हैं कहाँ से मिलती है। घर में दुआ करें कि हो, ना हुई तो मसला बन जाएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये बाल कितने बड़े बड़े हो गए, कोई नहीं कटवा लेंगे, क्या हो गया। कितने पैसे चाहिए तेन? 600 कटावना है, 600 तो निकलने ना। यहाँ पे चाबियां पड़ी होती थी, अभी तो नहीं है, फिर देखते। यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ये हमारी बिल्ली है, क्वीट सी बिल्ली है, क्वीट सी, नन्ही मुन्नी सी, बड़ी प्यारी सी है। ये देखें, रेंच मैंने लिया मामू के घर से, अभी मैं जा रहा हूँ उधर। कह रहे थे कि यहाँ पे पानी नहीं लगाना, क्योंकि हमने ट्रैक्टर को गुजारना इधर से, तो मैंने कहा शायद ये देखें इधर से पानी इधर ना जाए। उसने हमें बड़ा तंग किया, बड़ा तंग कर रहा है, तो स्टार्ट नहीं हुआ, सही हुआ तो बंद हो गया, शायद एयर लॉक ठीक से नहीं करता हुआ। उसके अंदर हवा चली जाती है ना यहाँ पे, जब तक ये हवा ना निकले नहीं चलता। हमारे पास पेचकस नहीं है, तो हमें जो है ना इस कस्सी के साथ खोल रहे हैं, शायद खुल जाए। ये हमने काट दिया छोटा सा, बाकी जो है ना इसको हम टाइट करके उधर लगा देंगे। पेचकस तो है नहीं, इसीलिए मुश्किल हो रहा है। टाइट हो गया, अब हम इसके अंदर इसको लगा देंगे। ये तो हो गया टाइट, ये देखिए इतना सा। पानी तो जा रहा है, पहली दफ़ा इधर से पानी जा रहा है, थोड़ा मसला बनेगा, इधर से लुट जाएगा, इधर से लुट जाएगा। हाँ जी, लुटता जा रहा है जी। उधर पानी लेके जाना है हमने, इस फसल को लगाना है चारे को। पहन से भराओ, अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, अभी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक बंदा इधर रहेगा, एक नाश्ता करने के लिए जाएगा, वरना पानी जो है ना शा हो जाएगा अगर इधर ना रहे तो। ओए पानी लुटता भी है, पानी जैसे कि ये शुरू हो गया, मैं तो आपको दिखाता हूँ, देखें ये शुरू हो रहा है, ये देखें ऐसे ही नुस्खा और नुकसान होता है। अभी इसको बंद करते हैं,
अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, अबू जी आ गए हैं, वो जा रहे हैं। तो अबू जी ने कहा कि आप लोग नाश्ता करो, मैं इधर ठहरता हूँ, हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, इसमें हम डीजल भी लाएंगे। तो हमने नाश्ता तो कर लिया है, अभी ये देखते मैं डीजल लेके जा रहा हूँ वहाँ से लेके वहाँ तक। हमने खाली बनानी है, मैंने थोड़ी सी बनाई है, फिर भाई बना रहा है। यहाँ से हमने शुरू की है कि वहाँ तक जाएगी। ज़मीन बड़ी हार्ड है जिसकी वजह से बनाना मुश्किल हो रही है। वहाँ तक बनाएंगे, वहाँ तक ज़मीन बड़ी हार्ड है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बाकी करना तो है, ये काम तो करना ही पड़ता है, गांव में ऐसे ही काम होता है। सुबह उठते हैं, नाश्ते से पहले सारा ये कर लो, वो कर लो, फिर नाश्ता कर लो, फिर काम ये कर लो, बस सारे दिन ऐसे ही होता है। खाली तो बन गई है, अभी थोड़ा सा सांस निकाल लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ज़मीन भी हार्ड है, जिसकी वजह से ना सांस बहुत फूल गई है। थोड़ी देर बैठ जाते हैं इधर, यहाँ पे साए में बैठते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाई है। अभी तो भाई गर्मी है, थोड़े से सांस निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। और मैंने यहाँ से आकर पानी पिया है। आप सोच रहे होंगे भाई ट्यूबवेल चल रहा था, उधर से क्यों नहीं पिया? क्योंकि मैं उससे बहुत दूर था, इसलिए मैं इधर से आके पी लिया। ये मस्जिद है हमारी, ये आप देख रहे हैं, और ये मस्जिद के नाल हैं, और इससे मैं पानी पिया है अभी। तो अभी फिर वापस जा रहा हूँ, वो खाली जो बना रहा था वो बनानी है, थोड़ी सी रह गई है, वो बना के इंशाल्लाह उधर जाएंगे, नहाएंगे और मज़े करेंगे। नाली तो हमने बना ली है, ये मेरे मामू जान की जो चोरी हुई है, मैं उधर आया हूँ। यहाँ ये देखें, रात को उन चोरों ने इधर से ईंटें निकाली हैं और अंदर घुस गए थे, अंदर घुस के सामान वगैरह निकाला है और वो गायब हो गए हैं। इतना तो छाप लग जाए ना तो मोड़े नहीं पटींदे। नहीं बच बचा कर गए। अच्छा नुकसान 15,000 रुपये का उन्होंने किया। अभी उनके जो पाँव लगे हुए हैं वो इधर लगे हुए हैं, वो हमने चेक करने हैं। ये हमारे पास सबूत होगा, कोई मिल जाए अगर। ये मामू बता रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कहां कहां उनके पाँव लगे हैं। जहां जहां उनके पाँव लगे हैं वो सबूत के तौर पर रखे जाएंगे। अगर कोई खोजी ले आएंगे, अगर कोई आया समझ में आ रहा है मतलब, तो उनके पाँव चेक करेंगे कि ये किसी का पाँव आ गया तो वो उसके साथ जो मुतालबा किया जाएगा। ये जो पाँव के निशान लगे हुए हैं उनके ऊपर कंडे वगैरह रख रहे हैं कि वो मिटे नहीं। रात को मामू जी बाहर सोते हैं, फिर भी नुकसान हो गया, रात को पता ही नहीं चला, लेकिन नींद में कैसे पता चलता है, बहुत सारा नुकसान करके गए हैं। मैं चल के अंदर आपको दिखाता हूँ कि अंदर कहाँ कहाँ उन्होंने नुकसान किया है, कहाँ से वो अंदर दाखिल हुए हैं और क्या चीज़ उन्होंने उठाई है, और गले वगैरह भी साफ कर लिए हैं। ये मैं आपको सारा दिखाता हूँ। यहाँ से अंदर आए हैं और इधर से उन्होंने चीज़ें वगैरह उठाई हैं, और ये इसके अंदर गले थे। ये देखिए, उन्होंने गले वगैरह भी बाहर निकाल के सारे पैसे निकाल लिए थे ना, अंदर से यहाँ से यहाँ पे गले थे, यहाँ पे यहाँ पे मामू जान सोते हैं। रात को उन्होंने पता भी नहीं चला, शायद सो रहे थे इसीलिए, तो ईंटें उन्होंने निकाल ली हैं। देखिए, उन्होंने पूरे के पूरे पैसे निकाल लिए थे। जैसे बंदे इकट्ठे हो रहे हैं मैं आपको दिखाता जाऊंगा। अभी तो मामू जान उधर गए हैं सामने, क्योंकि इधर को वो बंदे गए हैं जिन्होंने चोरी की है, वो सामने शायद आपको नज़र आ रहा होगा बंदा। ये देखें, ये सरसों के उन्होंने थैले लगाए हैं नीचे, अंदर से निकाल के। ये जो है ना मुंजी है, मुंजी उन्होंने दो थैले बाहर लगाए हैं क्योंकि इधर से चढ़ना आसान हो जाए। कितने सियासती होते हैं ना ये लोग। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, तो बड़े जालिम लोग होते हैं।